नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हिजामा किया, समझे, जब हज को तशरीफ ले जा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि एहतजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुहरिम, हजामा किया आपने, हिजामा किया हालत एहराम के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम किया है। हमारे हाफिज उज़ैर साहब इधर इस कॉलेज और स्कूल की तालीम से भी मुरस्सा है और बेंगलुरु में इन्होंने और उनकी अहलिया ने इसका बाजाबता कोर्स किया है। जैसे कि फायर कपिंग है, एक कप के अंदर आग लगाकर और उसको बदन पर लगाते हैं, जैसे कि वहाँ पर वो रखी हुई है, दर्द होता है वहाँ पर ये लगाते हैं, और ये ड्राई कपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ड्राई कपिंग के लिए बगैर खून निकाले जो कपिंग करते हैं उसको ड्राई कपिंग कहते हैं। EMS मशीन है, जैसे कि जहाँ पर भी दर्द हो, जैसे कि गर्दन पे दर्द है तो यहाँ पर लगाना चाहिए, उसके थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर, ये नया निकला है, ये बेंगलोर में ही अभी जहाँ से हमने कोर्स किया है वहाँ पर निकला था, बस वहाँ से हम लेकर आए हैं अभी इसको। जैसा कि हिजामा करने के लिए बाल निकालना पड़ते हैं, तो बगैर बाल निकाले ये मशीन लगा कर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बगैर बाल निकाले इसे हिजामा करते हैं सर का। लेडीज़ के लिए अलग से इंतज़ाम है, लेडीज़ का, जो लेडीज़ के लिए करेंगे अलग से। अरे मौला ए करीम, तो सेहत और बीमारी सब आपके हाथ में है मौला, ये बदन आपकी अमानत है। ऐ अल्लाह, तंदुरुस्ती को आपने बड़ी अहमियत दी है, ये हिजामा बीमारों की सेहत के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। इस सेंटर को कामयाब फरमा, लोगों को यहाँ से सेहत याब फरमा। हम सब जो यहाँ मजलिस में मौजूद है, अल्लाह उन सब को भी और उनकी औलाद को, नस्लों को सेहत और तंदुरुस्ती से, ईमान और आफियत से, हिदायत से नवाज दे। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। हदीस पाक में हिजामा का भी जिक्र मिलता है और सेहत और तंदुरुस्ती का रखना फ़र्ज़ है। ये बॉडी जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत लोग नुकसान में होते हैं, एक सेहत और एक वक्त का मिलना, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये बात सही है, जान है तो जहान है। अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त ना हो तो आप खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, आप सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं है तो रोज़ा रमज़ान का नहीं रख सकते, आप सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं है तो आप कमा कर ज़कात नहीं दे सकते, और आप बहुत बीमार और मरीज है तो हज को नहीं जा सकते। तो ये सेहत तमाम अरकान से पहले फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, सबसे पहला हक तुम्हारी जान का है। तुम जान तुम्हारी सही रहेगी तो इंसानों के भी हक अदा करेंगे और अल्लाह के भी हक अदा करेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हिजामा किया, समझे, हज को तशरीफ ले जा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि एहतजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुहर्रम, हजामा किया आपने, हिजामा किया हालत एहराम के अंदर। तो मसला होता है कि वजू करना पड़ेगा कि गुस्ल करना पड़ेगा, उसके बाद एक शरई मसला है। लेकिन हिजामा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जो है आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम किया है। हमारे हाफिज उजैर साहब इधर इस कॉलेज और स्कूल की तालीम से भी मुरस्सा है और बेंगलुरु में इन्होंने, उनकी अहलिया ने इसका बाजाबता कोर्स किया है। और आपको हैरत होगी इतनी मसरूफियत के बाद वो हमारे पास आलिमियत कर रहे हैं। हमारे, मैं इस वक्त सब बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे उमर फारूकी, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, है हमारे बच्चे, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो हमको भी उनके इज्जत एहतराम और दुआ करना चाहिए। हमारे फिरोज खान साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमारे एजाज भाई और हमारे भाई आरिफ भाई, अल्लाह ताला इन सब की आमद को जरिया बनाए कि अल्लाह हम सब के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के फैसले फरमाए और इस हिजामा सेंटर को लोगों की सेहत और फायदे और खिदमत के लिए इस्तेमाल होने की तौफीक अता फरमाए। मैं हाफिज उजैर को और उनके अहलिया को और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए दो मिनट में। لا اله الا انت الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اے مولا اے کریم تو सेहत और बीमारी सब आपके हाथ में है। बोला ये बदन आपकी अमानत है। ऐ अल्लाह तंदुरुस्ती को आपने बड़ी अहमियत दी है। ये हिजामा बीमारों की सेहत के लिए बहुत बड़ा जरिया है। इस सेंटर को कामयाब फरमा, लोगों को यहाँ से सेहत याब फरमा। हम सब जो यहाँ मजलिस में मौजूद है, अल्लाह उन सबको भी और उनकी औलाद को, नस्लों को सेहत और तंदुरुस्ती से, ईमान और आफियत से, हिदायत से नवाज दे। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सेंटर का जामा आज ओपनिंग थी। अब हमारे पास अभी हिजामे के लिए बहुत सारे नए नए मशीन है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि फायर कपिंग है, एक कप के अंदर आग लगाकर और उसको बदन पर लगाते हैं, जैसा कि वहां पर वो रखी हुई है। मैं ऐसे बताऊंगा आपको, एक सेकंड। ये फायर कपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बांबू कप है, ये भी इसके अंदर आग लगाने के बाद पीठ पर लगाते हैं, जहां पर भी दर्द होता है वहां पर ये लगाते हैं। और ये ड्राई कपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ड्राई कपिंग के लिए, बगैर खून निकाले जो कपिंग करते हैं उसको ड्राई कपिंग कहते हैं। और ये मसाज के लिए है, मसाज करने, फेशियल मसाज करने के लिए, चेहरे के लिए। और ये ईएमएस मशीन है, जैसा कि जहां पर भी दर्द हो, जैसा कि गर्दन पे दर्द है तो यहाँ पर लगाना चाहिए, उसके थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वो दर्द खत्म हो जाएगा, जहां पर भी दर्द है वहां पर। ये नया निकला है, ये बेंगलोर में ही अभी जहाँ से हमने कोर्स किया है वहां पर निकला था, बस वहां से हम लेकर आए हैं अभी इसको। और ये गन्स है, जैसा ये कप ऐसे लगाने के बाद, बॉडी पर लगाने के बाद जैसे यहाँ पर लगाते हैं, इसको ऐसा करते हैं, अभी ये काम नहीं कर रहे हैं सही से। आस्तीन ऊपर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए, ये यहाँ पर ये पकड़ लिया है, वैक्यूम ले लिया, जी वैक्यूम ले लिया। और इसके बाद यहाँ पर इंसिशन करना पड़ता है, यानी ब्लेड से कट करना पड़ता है। ब्लेड से कट करने के बाद फिर वो खून निकलता है, फिर उसको ये फिर से और एक बार लगाकर और दोबारा दो मरतबा उसको साफ कर लेना पड़ता है। जी हाँ, ये जो मशीन है हमारी, ये बगैर सर के बाल निकालने के इस्तेमाल होती है, जैसा कि हिजामा करने के लिए बाल निकालना पड़ते हैं, तो बगैर बाल निकाले ये मशीन लगाकर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और बगैर बाल निकाले इसे हिजामा करते हैं सर का।
और ये भी एक मशीन है जहाँ पर भी दर्द होता है, जैसे कि हमारा दर्द यहाँ पर है, यहाँ पर ये लगाने के बाद ये दर्द उसको कम हो जाता है उससे। और ये चाइनीज कप है और ये गन लेडीज के लिए अलग से इंतजाम है, लेडीज का जो लेडीज के लिए करेंगे अलग से और हम मर्द हजरात के लिए करेंगे। ये अनिसा स्कूल के बाजू में जो ग्राउंड है उसके बाजू में पेन केयर सेंटर, डॉक्टर शेख जमील साहब और मोइज डॉक्टर मोइज साहब उन्हीं का क्लिनिक है ये। बाहर लेते हैं, बाहर ले लेंगे क्लिनिक में, यहाँ पे ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।